हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेकिस्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज वीडियो में रियलमी 6 और अपकमिंग स्मार्टफोन रेडमी नोट 9 का फुल कंपैरिजन करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप भी इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखते रहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो दोस्तों जहां Redmi Note 9 के बैक में आपको ग्लास फिनिश बॉडी मिलेगा, वहीं Realme 6 के बैक में आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों डिजाइन बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है Realme 6 का, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। और दोस्तों अगर इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों Realme 6 में आपको 6.5 इंच के साथ फुल HD प्लस IPS LCD का डिस्प्ले मिलेगा और उसमें आपको सिंगल पंच होल कटआउट भी मिल जाएगा। और दोस्तों अगर वहीं Redmi Note 9 के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फोन में 6.4 इंच के साथ फुल HD प्लस IPS LCD मिलेगा और शायद दोस्तों इस फोन में भी आपको सिंगल पंच होल कैमरा मिल सकता है। और दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में आपको 90Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलेगा जो कि काफी अच्छी बात है। और दोस्तों अगर इन दोनों स्मार्टफोन का कैमरा कंपैरिजन करें तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के रियर में आपको क्वाड रियर कैमरा मिलता है, दोनों स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। लेकिन दोस्तों जहां Realme 6 में आपको सैमसंग GW1 का सेंसर मिलता है, वहीं Redmi Note 9 के प्राइमरी कैमरा में आपको सोनी IMX686 का सेंसर मिल जाता है और दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस कैमरा दोनों स्मार्टफोन में मिल जाता है। और दोस्तों अगर फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो दोस्तों Realme 6 में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन दोस्तों Redmi Note 9 में अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया है कि इस फोन के फ्रंट में आपको कितना मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, प्रोसेसर के बारे में बात करें तो दोस्तों Realme 6 में आपको MediaTek का Helio G90T का प्रोसेसर मिलेगा जो कि Redmi Note 8 Pro में देखने को मिल जाता है और ये एक गेमिंग प्रोसेसर है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। और दोस्तों अगर वहीं बात करें Redmi Note 9 के बारे में तो दोस्तों शायद इस फोन में Qualcomm Snapdragon का 710 या 675 का प्रोसेसर मिल सकता है, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं है, लेकिन शायद ये दोनों में से ही एक प्रोसेसर होगा Redmi Note 9 में। और दोस्तों Realme 6 में 4300mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 30 वॉट का सुपर वूक चार्जर के साथ, वहीं Redmi Note 9 में आपको शायद 4000 से ज्यादा mAh की बैटरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों Redmi Note 9 में आपको 27 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिल सकता है। और दोस्तों अगर इन दोनों स्मार्टफोन के रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट और प्राइस की बात करें तो दोस्तों Realme 6 का तो प्राइस सामने है, लेकिन अभी तक Redmi Note 9 का प्राइस सामने नहीं आया है। और दोस्तों Realme 6 का जो बेस वेरिएंट है वो है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 12,999 रुपए। लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि Redmi Note 9 Pro का जो बेस वेरिएंट होगा 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, उसका प्राइस लगभग 11,999 के आसपास हो सकता है। और दोस्तों Realme 6 का और दो वेरिएंट का प्राइस जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको प्राइस मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक 11,000 से 12,000 के प्राइस रेंज में स्मार्टफोन परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप 12 मार्च तक वेट कीजिए, क्योंकि 12 मार्च को Redmi Note 9 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाला है, उसके बाद उसका प्राइस भी सामने आ जाएगा और आप एक अच्छा स्मार्टफोन परचेज कर पाएंगे। और अगर Redmi Note 9 11,999 के प्राइस में आता है तो यहाँ पे Realme 6 से बेटर ऑप्शन हो जाएगा और आप उस फोन को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में आप कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो दोबारा मिलता हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।